नालापुरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर दुबे मैडम, प्रिंसिपल शेने मैडम, टीचिंग स्टाफ, छात्र, मैं अपना संक्षिप्त में परिचय दे दूं। मैं पिछले 33 साल से नागपुर में एक आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल जीप मारा के नाम से चला रहा हूं। मैं बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पे आया कैसे। तो बीच में मैंने आपका जो मनोबोध है ये मैंने पढ़ा, एक जगह लिख ले तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि हाल ही में धन्वंतरी जयंती के दिन मैंने अपने जीपमाल आरोग्य धाम में एक इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ यूनिट मनोवेद के नाम से चालू किया, जिसमें मैं आयुर्वेद चिकित्सा तो 33 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लड़का जिसने MBBS किया, फिर बेंगलोर में निमेश एक न्यू साइंस का कपेल इंस्टीट्यूट है, मतलब न्यू साइंस का एक एशियन और गोसकता नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, उसने उसका साइकेट्री में PG किया, न्यूरो साइकेट्री में पोस्ट PG किया, अभी हाल ही में UK से उसने फेलोशिप भी लिया। तो हमने, अब चूँकि मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, तो मेरी मन की इच्छा थी कि जो मैंने जी कुमार आरोग्य धाम आयुर्वेदिक का चलाया है, अब लड़का तो मॉडर्न चला गया, तो मैंने इंटीग्रेट रूप से, मतलब उसका एलोपैथी और मैं आयुर्वेद मिलकर हमने मनोवेद की वहाँ पर स्थापना की। मैं बताना चाहूँगा या शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर सुभाष रावत ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा से बहुत से पेशेंट ठीक होते हैं, आयुर्वेद की प्रति जनरल पब्लिक का रुझान है और आज समय की मांग भी है। आप देख रहे होंगे कि मानसिक रोग बहुत हो गए हैं, जैसे पता है मिलियंस भी काफ़ी हो रहे हैं। तो निश्चित ही जो यहाँ पे उपस्थित सब छात्रगण हैं या चिकित्सक भी हैं MHS से, तो इसमें अच्छा है, इसको हो सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और आज के बारे में थोड़ा मैं संक्षिप्त बताना चाहूँगा, जैसे बताया गया कि आज की तो सेमिनार उसको बताएं, तो सबसे पहले तो डॉक्टर दीक्षित था, मैं शुरू से लेकर आखिर तक शायद में कभी इतना अटेंड कभी किया हुआ सेमिनार मैंने, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट तो सब्जेक्ट था मनोवेद और मनोबोध, इसलिए मैं रुका वहाँ पे। तो डॉक्टर दीक्षित सर ने भी बहुत ही व्यवहारिक रूप से, एक लौकिक रूप से, मनोरंजन दृष्टि से करके उन्होंने अच्छे ढंग से अपना व्याख्यान किया मानसिक रोग का उन्होंने। और मैं चाहूँगा कि जिस ढंग से उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जैसे मन का इतना हृदय रहता है, मस्तिष्क रहता है, लेकिन जो स्त्रोत में जाता है वो मनोस्त्रोत हो जाता है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जो मुख्यमंत्री जब एक रास्ते जाता है तो पूरा मुख्यमंत्री नाम से वो वार्षण हो जाता है। तो निश्चित ही जब मैं तो बैठा था, 1.5 घंटा से बैठा था, आपको आने के संहिता से थे वो, लेकिन पूरे ढंग से उन्होंने पूरे वातावरण को मैं बोलूँगा दृश्यमय कर दिया था। निश्चित ही उनके लिए दो साथ सबको तालीबान चाहिए मैं बताऊँ। इसके बाद डॉक्टर रामदत्त अवार्ड, अद्भुत जो शब्द नहीं, मैं इनको काफ़ी टाइम सुन रहा हूँ, मेरे काफ़ी पुराने परिचित हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे ढंग से अपने विचार व्यक्त किए, अपने जो अनुभव उन्होंने व्यक्त किए। मैं उनको यहाँ पे जब बैठा था तो निश्चित ही मैं जब भी उनके व्याख्यान सुनता हूँ, एक वाकई में एक ऊर्जा का संचार हो जाता है मन में। तो मैंने वो सोचा कि आपको भी यहाँ पे क्रांतिकारी आयुर्वेद का ऊर्जा भाग के रूप देना चाहिए यहाँ पे, तो चाहूँगा कि उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। मैं आया तो मनोबत के साथ था, लेकिन जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया, ब्रीडिंग करना, उनका पालन कैसे करना, मैं लीड तो लगाता हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन जो उन्होंने बताया दूसरी चीज़ें पहलू, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं चाहूँगा कि इस मन से उन्होंने दुख व्यक्त किया कि इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, लीगल रेगुलेशन नहीं मिलता है, इस पर हम सब उनको मिल जुल के गवर्नमेंट के तरफ, गवर्नमेंट अपनी है, मिलजुल कर उस पर काम करेंगे। और निश्चित ही मैं पुनः चाहूँगा कि जो आपका सत्र हुआ बहुत ही वेल मैनेज हुआ, बहुत फलदायी हुआ, इवन मेरे लिए भी बहुत अच्छा फलदायी रहा। मैं 33 साल प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, लेकिन आज का जो क्षेत्र है, जो सत्र था, वो वाकई में फलदायी था। इसकी पूरी क्रेडिट जो इसके आयोजक है मैडम शिटे मैडम, अपने राठी मैडम, और मैं सर्वेश शर्मा से मिला था, और पूरी दिनों सहयोग किया है, उनको पुनः मैं इसलिए साधुवाद देता हूँ। और भविष्य में जो अपने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित ही मानसिक रोग विशेषज्ञ भी बने, ऐसे मैं उनको निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।